राजगढ़ कलेक्टर द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं को चाटा मारने का विरोध जताने और माफिया के नाम पर प्रदेश भर में भाजपाइयों को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए कल भाजपाइयों ने 2 घंटे तक रतलाम में कलेक्ट्रेट का घेराव किया। 15 मिनट में एक ही ज्ञापन 2 बार दिया, पहले SDM को दिया तो वो ज्ञापन को लेकर चले गए, लेकिन कार्यकर्ता कलेक्टर को देने पर अड़ गए। भाजपाइयों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिया। इसके 15 मिनट बाद ADM के आने पर उन्हें ज्ञापन दिया। इससे पहले भाजपाइयों ने कमलनाथ सरकार को आड़े लेते हुए तानाशाह करार दिया, साथ ही चेतावनी दी है कि भाजपाई कार्यकर्ताओं के साथ देश पूर्ण कार्यवाही हुई है तो आंदोलन छेड़ा जाएगा। रतलाम सांसद GS डामोर ने कहा कि BJP के आला नेता के सुर में सुर मिलाया है। BJP के मंच से सांसद ने प्रदेश के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जो अधिकारी कांग्रेस के प्रवक्ता बनकर काम कर रहे हैं, प्रदेश में BJP की सरकार बनने पर हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। सांसद GS डामोर ने मंच से यह भी कहा कि कांग्रेस का शासन है, कल BJP का शासन रहेगा। जो चिन्हित होगा, जो कांग्रेस के प्रवक्ता बनकर काम कर रहे हैं, वो समझ लेना, जो काम कांग्रेस ने नहीं किया वो काम BJP करेगी, हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस की सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई है और इस कांग्रेस की सरकार में कुछ अधिकारी, सब तो बहुत अच्छे हैं, देशभक्त हैं और संविधान के अनुसार काम करते हैं, पर कुछ अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के चक्कर में या अपने अंक बढ़ाने के चक्कर में, मुख्यमंत्री की निगाह आने के चक्कर में हदें पार कर रहे हैं। तो ऐसे अधिकारियों को हमने चेतावनी दी कि आप भूलिए मत, आपका भी जीवन लंबा है, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो आपको भी फिर वैसा ही सलूक होगा जैसे आप जनता के साथ सलूक कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहा, आज आपने प्रदर्शन किया है, अधिकारी आज भी नहीं आए आपका ज्ञापन लेने के लिए, कलेक्टर नहीं पहुंची यहाँ पे, कलेक्टर आए थे, कलेक्टर बाहर है ऐसा आपको बताया गया, कहीं ना कहीं एक मैसेज तो वो मतलब कहीं ना कहीं आपको नीचे दिखाने की कोशिश करता है प्रशासन, कहीं ना कहीं नीचा तो जनता क्या देखेंगे, ये जनता के इशारे पे पूरा काम हो रहा है, ये जितने भी नुमाइंदे ये सब जनता की सेवा करने के लिए बैठे हैं, तो ये जनता को तो नीचा दिखाना ही नहीं सकते, जनता तो इनको नीचा दिखाएगी आने वाले समय।